ये अच्छी गुलामी है, घर के काम करते करते अपनी जान लगा दो लेकिन ताने सुनने को मिलेंगे बस। अब कल को अगर घर में बैठी बैठी लड़की बूढ़ी हो गई तो दुनिया तो मुझे ही कहेगी ना कि बिन माँ बाप की बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कहाँ कहाँ के जतन करके मैं जाकर इसके लिए रिश्ते लेकर आती हूँ, तीसरी बार ना हुई है। कभी किसी को इसके नैन नक्श पसंद नहीं आते तो किसी को इसका वजन ज्यादा लगता है। बड़ी दादी हमारी कट गई किचन में काम करते करते, इनकी ना कटने वाली। आजकल के लड़कों को ना किचन वाली नहीं नौकरी वाली लड़की चाहिए, इसीलिए छोटा सा झूठ बोल दिया था। सोचा था ये महारानी किसी को पसंद आ जाए फिर संभाल लेंगे और क्या। मुझे ना कोई प्राइज नहीं मिलने वाला इसकी शादी करा के, फिर भी लगी हूं। क्यों? क्योंकि बिन माँ बाप की बच्ची है, ऊपर से ठहरे हम मिडिल क्लास लोग। कोई लाइन नहीं लगी हुई इसके लिए लड़कों की, 10 दफा कहा है निहाल की तरह थोड़ा अपना वजन कंट्रोल करो, थोड़ा अप टू डेट बनकर रहा करो, लेकिन नहीं। खाना और किचन इनसे फुर्सत मिले तब ना। सोचा था छोटा सा झूठ बोलकर इस दफा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं। हरीश चंद्र के वंशज भी तो यही पैदा हुए, यही।